जिस आईपीएल टीम ने गौतम गंभीर को निकाला था अब उसी के मालिक बनने जा रहे हैं। नमस्कार। इंडिया टीम के ओपनर बल्लेबाज गौतम गंभीर उन बल्लेबाजों में शुमार होते हैं जिन्होंने संकट मोचन बनकर मैच को जिताया हो। गौतम गंभीर इंडिया टीम के लिए काफी कुछ करके गए हैं, उन्हीं की देन है टीम इंडिया। चाहे 2007 T20 वर्ल्ड कप हो या 2011 वनडे वर्ल्ड कप, दोनों ही सीरीज के फाइनल में गौतम गंभीर ने शानदार प्रदर्शन की बदौलत इंडिया ने वर्ल्ड कप हासिल किया है। वैसे पिछले आईपीएल में गौतम गंभीर के लिए कुछ खास नहीं रहा। एक तो पहले उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को छोड़ा, फिर जल्दी कोई उन्हें खरीदार नहीं मिला, और जब दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें खरीदा तो T20 सीरीज में उन्हें कप्तानी से हटना पड़ा और साथ ही उन्हें मैच से ड्रॉप कर दिया गया, जिसके बाद गौतम गंभीर ने टीम से ही अलविदा कह दिया और क्रिकेट से संन्यास ले लिया। लेकिन अब खबर निकल कर सामने आ रही है गौतम गंभीर आईपीएल के दिल्ली कैपिटल्स के मालिक बनने की सोच रहे हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गौतम गंभीर कुछ दिनों से दिल्ली कैपिटल्स के मालिकों से इस बारे में बात कर रहे हैं और इस पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने कहा है कि इस पर चर्चा चल रही है, जब सब कुछ फाइनल हो जाता है तो हम घोषणा कर देंगे। आपको बता दें अभी दिल्ली कैपिटल्स के दो मालिक हैं, पहला JSW स्पोर्ट्स और GMR ग्रुप, इन दोनों के पास 50-50% हिस्सेदारी है।